दोस्तों, क्या कभी 10 मिनट में वास्तुशास्त्र के बेसिक्स को समझा जा सकता है और उसका फ़ायदा लेके अपने ड्रीम्स पूरे किए जा सकते हैं और घर का वातावरण ठीक किया जा सकता है? आंसर है हाँ। इस वीडियो में मैं आज आपको 5 ऐसी टिप्स शेयर करने वाला हूँ जो आप आराम से घर में इम्प्लीमेंट करके और वो सारे फ़ायदे ले सकते हैं जो कि हज़ारों लाखों रुपये के कंस्ट्रक्शन वर्क को तुड़वा करके दोबारा करके लोग फिर भी नहीं ले पाते। फ्रेंड्स, बहुत सिंपल है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बस लॉजिक को समझने की ज़रूरत है और फिर आप देखेंगे कि आपके घर में भी वो सारी चीज़ें होने लगेगी जो आप एक्चुअली चाहते थे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक प्रो टिप देने वाला हूँ, इसलिए लास्ट तक देखिएगा इसे। तो स्टार्ट करते हैं। पहली टिप ये है दोस्तों कि अपने घर के सेंटर में खड़े होकर मोबाइल की कंपास निकालिए और उसके बाद में अपने चारों तरफ जो जगह बनी हुई है उन सबको मार्क कर लीजिए। तो जैसे 4 दिशाएं हैं आपकी, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, इसी तरह से इनके बीच में 4 दिशाएं और हैं कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट, और इसी तरह से साउथ और ईस्ट के बीच में है साउथ ईस्ट। तो टोटल हमारे 8 दिशाएं हो गई। वैसे दोस्तों हम लोग 32 तक जाते हैं, लेकिन आपको सिंप्लीफाइड तरीके से वास्तु समझाने के लिए मैं सिर्फ ये कहूँगा कि अपने घर के सेंटर में खड़े होकर के मोबाइल कंपास से देखिए कि इन 8 डायरेक्शंस में आपके क्या क्या चीज़ रखी हुई है और क्या क्या बना हुआ है। अब सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि घर का जो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है वहाँ से सबसे पहले भारी सामान को रिमूव करिए, अगर पॉसिबल है तो उसे शिफ्ट कर दीजिए, और उस जगह को हल्का रखिए, हल्का फुल्का, और वहाँ पे जंक मत रखिए। किसी भी तरीके का पुराना टूटा हुआ सामान, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान या पुरानी बुक्स जो कि यूज़ नहीं हो रही है, ऐसी कोई भी चीज़ जो गंदगी को या जंक को शो करती है वो नॉर्थ ईस्ट में बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले उसे ठीक करिए नॉर्थ ईस्ट को, और वहाँ पर हमेशा एक वाटर कंटेनर विद अ प्लांट ज़रूर रखिए, मतलब पानी का कोई बर्तन रखिए, और अगर पौधे हों तो और भी अच्छी बात है। सेकंड चीज़, इससे पहली बात तो ये कि इससे क्या अचीव होगा। फ्रेंड्स, नॉर्थ ईस्ट जो होते हैं, आप देखिएगा कि हमारे घर में सबसे पहले जो बिजली जो रोशनी आती है सूरज की, वो दैट सनलाइट डायरेक्टली फॉल्स ऑन द वॉल विच इज़ इन नॉर्थ ईस्ट, एंड वहाँ पर क्लैरिटी ऑफ माइंड वाला जोन होता है। तो आप देखेंगे कि वहाँ पर जब आप चीज़ों को रिमूव करेंगे, वहाँ से आप भारी और जंक वाले सामान को हटाएंगे और साफ़ सुथरा रखेंगे उस जगह को, देन वेरी सून यू विल फील कि वहाँ बैठने से आपको क्लैरिटी ऑफ माइंड मिलनी शुरू होगी। तो जो अभी तक आप कन्फ्यूज्ड रहते थे ना, उठते थे और समझ नहीं आता था क्या हो रहा है, जैसे ही एक्टिविटी करेंगे आपको ये अचीव होना शुरू हो जाएगा कि आपका माइंड क्लियर रहेगा। सेकेंड चीज़, नॉर्थ ईस्ट के जस्ट अपोजिट फ्रेंड्स होता है, उसे कहते हैं साउथ वेस्ट, और साउथ वेस्ट जो फ्रेंड्स जगह है वो जगह है किस चीज़ की, वो है स्किल्स की, और साथ में वो जगह है आपके रिलेशनशिप की। तो साउथ वेस्ट में देखिए कि क्या पड़ा हुआ है, वहाँ पर आप अपने बाकी सारी चीज़ों को देख करके उनमें से आपको वहाँ क्या रखना है, वहाँ रखने हैं दोस्तों आपको वो टूल्स जिनसे कि आप अपनी जो बैटल है उसको जीतने वाले हों। कहने का मतलब, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो वहाँ पर अपनी बुक्स रखिए, अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो अपनी अकाउंटिंग की और जो बिजनेस स्ट्रेटजी की चीज़ें हैं वो रखिए, अगर आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं तो वहाँ पर अपनी लैपटॉप और बाकी जो सॉफ्टवेयर की सीरीज़ वगैरह है वो रखिए। तो फ्रेंड्स, वो साउथ वेस्ट वाला एरिया है जहाँ पर को आपको अपनी स्किल वाली चीज़ें रखनी है। एक्चुअली पुराने ज़माने में ये जगह शस्त्रागार के तौर पे यूज़ होती थी। अगर आप पुराने फोर्ट्स देखेंगे, किले देखेंगे, तो आपको लगेगा कि वहाँ पर शस्त्र रखे जाते थे, और शस्त्र किस लिए, जो वेपन्स थे वो रखे जाते थे, बिकॉज उन वेपन्स को यूज़ करके आप अपना बैटल को या वॉर को जीत सकें। तो आपका अपना एक युद्ध है, आपकी अपनी एक लड़ाई है, बताइए है कि नहीं है। तो उसके जो टूल्स हैं, उसके जो वेपन्स हैं, वो वही है ना कि जैसे कैलकुलेटर हो गया, कंप्यूटर हो गया, आपकी अकाउंटिंग बुक्स हो गई, ये सारी चीज़ें जो आपको ज़रूरत पड़ती है अपने गोल को अचीव करने में। क्या? अपने गोल को अचीव करने में जो टूल्स आपको चाहिए, कीप देम इन साउथ वेस्ट। थर्ड थिंग, अगर आपकी रिलेशनशिप में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम चल रही है, कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज़ है, तो साउथ वेस्ट में अपनी फैमिली की फ़ोटोग्राफ ज़रूर रखिए,
और अगर हो सके आप हस्बैंड वाइफ में कोई इश्यूज हैं और आप रिलेशन अच्छा करना चाहते हैं, तो अपनी दोनों की हस्बैंड वाइफ की जो एक पिक्चर है या आपके आपस में कभी आपने गिफ्ट एक्सचेंज किए हो वो चीज़ें, मेमोरीज जो है वो साउथ वेस्ट एरिया में रखिए। और अच्छा रहेगा कि अगर आपका बेडरूम भी साउथ वेस्ट में हो, बट अगर नहीं है तो एटलीस्ट ये तो करिए। टिप नंबर 3 कि आपको अगर एजुकेशन करनी है, आप एक स्टूडेंट हैं या कुछ भी एजुकेशन से संबंधित कोई काम करना चाहते हैं, तो उसे कहाँ रखिए? उसे रखिए फ्रेंड्स साउथ वेस्ट से वेस्ट के बीच वाली जगह में। साउथ वेस्ट और वेस्ट, इसके बीच में एक एनर्जी फील्ड होता है जिसका नाम है सुग्रीव, एंड दैट सुग्रीव इज वो रामायण वाले सुग्रीव नहीं है, ये सुग्रीव जो है वो एनर्जी फील्ड जिसे देवता कहते हैं उसका नाम है। और वो क्या सिग्निफाई करते हैं कि वहाँ रखी हुई चीज़ों का मेमोरी पे काफ़ी असर पड़ता है, तो आप वहाँ पर अपनी बुक्स रखिए, आपकी मेमोरी शार्प होगी। अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों को वहाँ बैठ करके कहिए कि स्टडी करें, एंड यू विल सी द डिफरेंस विद इन 2 to 3 weeks। नेक्स्ट जो चीज़ है फ्रेंड्स, फोर्थ जो टिप है वो है कि जब आप वेस्ट साइड में देखते हैं, एग्जैक्टली पश्चिम दिशा यानी वेस्ट साइड, तो वेस्ट साइड में आपको अपनी जो विश है, जो आप लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, वो आप एक येलो कलर के स्क्वायर पेपर पर लिख करके प्रेजेंट टेंस में वहाँ लगा दीजिए, ठीक है, बड़े बड़े लेटर्स में। जैसे कि मान लीजिए मुझे, सपोज करिए कि एक एग्ज़ाम पास करना है, तो मुझे वहाँ ये लिखना होगा कि मैं ये एग्ज़ाम पास कर चुका हूँ। या मुझे अगर एक अचीव जॉब चाहिए तो मैं कहूँगा कि वहाँ लिखूँगा कि मुझे ये जॉब सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब इस जगह पर इस पोजीशन में मिल गई है। तो जो आप अचीव करना चाहते हैं उसे प्रेजेंट टेंस में कन्वर्ट करिए और उसको एक येलो कलर के पेपर पर लिख करके स्क्वायर शेप वाले पेपर पर और वेस्ट पश्चिम दिशा की तरफ आप लगा दीजिए। वो दोस्तों इच्छा पूर्ति यानी जो डिज़ायर्स है उनको फुलफिल करने वाला जोन है, तो उसमें ये आप लगा दीजिए। एंड द फिफ्थ एंड द वेरी इंपॉर्टेंट टिप इज कि दोस्तों जो आपके घर का सेंटर होता है, बिल्कुल जो अगर आपने दो डायगोनल्स अपने घर के आर पार यों और यों खींच दी हैं, तो जहाँ पर ये दोनों लाइंस मिलती है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड ब्रह्म स्थानम। और उस ब्रह्म स्थान पर हमेशा लाइट येलो कलर या क्रीम कलर या हल्के कलर की शेड वाली हल्की चीज़ें रखिए। कभी भी ब्रह्म स्थान को ब्लॉक मत करिए विद द हैवी थिंग्स, ठीक है फ्रेंड्स। एंड अब आती है सबसे पावरफुल टिप जिसको मैंने शुरू में कहा था, दोस्तों आज ही सबसे पहले ये चेक करिए कि आपके घर में कहीं ऐसा है क्या कि डोमेस्टिक एनवायरनमेंट टेंस वाला रहता है, एक डलनेस है, एक नेगेटिव एनर्जी फील होती है और आपस में खींचतान रहती है, साथ में कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा रहता है कि आप उठे सुबह आपको पता ही नहीं है कि आपको क्या करना है, आप अपना टाइम पास करे जा रहे हैं और शाम तक आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और चिड़चिड़ाहट रहती है। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो दोस्तों ये सब शो करती है राहु की नेगेटिव एनर्जी को। और इसका सबसे बढ़िया तरीका है कि अपना जो घर का टॉयलेट एरिया है उसको साफ सुथरा रखिए। राहु को एक हाथी की तरह से माना गया है पंडित रूपचंद जी जोशी जी के द्वारा, और जो पुरानी ज्योतिष है उसके हिसाब से तो हाथी जो होता है पानी में रह करके वो मध्वस्त हो जाता है। तो आप मान करके चलिए कि टॉयलेट एरिया जो है राहु का गवर्निंग प्लेस है, तो उसे साफ सुथरा रखिए, ऑर्डर फ्री, बदबू रहित। और साथ में अगर घर में कोई नल टपक रहे हो, टैप्स में से वाटर लीकेज हो रहा हो, तो इमीडिएटली ठीक कराइए। बस फ्रेंड्स ये सारे उपाय करिए एंड वेट फॉर द 43 days। नाउ आई एम स्पीकिंग 43, इट्स अ वेरी वेरी कैलकुलेटेड एंड साइंटिफिक नंबर जिसका लॉजिक कभी मैं आपको बताऊंगा। 43 days तक आप ये जब कंटिन्यूसली इस चीज़ को फॉलो करेंगे, देन सी द रिजल्ट योर सेल्फ। ना आपको लाखों रुपए के कंस्ट्रक्शन तोड़ने की ज़रूरत है, ना आपको किसी बहुत बड़े वास्तुशास्त्र कंसल्टेंट की ज़रूरत है। मेरी ये छोटी टिप्स यूज करेंगे आप एंड देन यू विल सी द रिजल्ट योर सेल्फ। तो फ्रेंड्स आई होप कि यू फाउंड समथिंग इंपॉर्टेंट फॉर टुडे, दैट्स इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही, तब तक बाय बाय, वंदे मातरम, जय श्री गणेश।